मुझे पता है गाइस, मूव ऑन करना इजी नहीं होता। आप किसी को भुलाने के लिए सब कुछ कर सकते हो, पर मेमोरीज, उनकी यादें, वो इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ती। आपको बहुत सारे मूड स्विंग से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार आपको लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, पर फिर उसी वक्त आपको अपने दिल में एक दर्द महसूस होता है और याद दिलाता है कि ये सब कल ही की तो बात थी। और आपके बहुत कोशिश करने के बाद भी आप अपने एक्स को भुला नहीं पाते। आपको हर घड़ी, हर पल में उनकी याद आती है। आप अपने दोस्तों से सच छुपाते हैं कि अब आप वापस पहले जैसा फील करने लगे हैं। आप कई बार कोशिश करते हैं अपने एक्स से नफरत करने की, लेकिन उसके बाद भी आप उनसे नफरत नहीं कर पाते, क्योंकि आपका दिल जानता है आप कितना ज्यादा प्यार उनसे करते हैं। आप उनको मूवीज में, सॉन्ग्स में, अकेलेपन में, भीड़ में, तन्हाई में, सब जगह महसूस करते हो। आप उनसे बात करना चाहते हो और पहले की तरह हंसना चाहते हो उनके साथ। आप पूरी दुनिया से झूठ बोलते हो कि आपकी तबीयत खराब है, आपका किसी से बात करने का मूड नहीं है। आप अपने आप से झूठ बोलते हो कि अब आप अपने एक्स को प्यार नहीं करते, अब आप अपने आप से प्यार करते हो। तो फिर आपको वो सपने में क्यों दिखते हैं? सब कुछ ठीक होता है और आप अचानक से रोना क्यों स्टार्ट कर देते हैं? क्योंकि सच्चाई यही है, आप सिर्फ बिना अपने एक्स के जीना सीख रहे होते हैं, और इसको ही हम मूव ऑन करना कहते हैं। जब आपको पता होता है कि उनके साथ रहना अब सही नहीं है और उनसे प्यार करना बंद कर देना आपके लिए इम्पॉसिबल है, सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात की होती है। पर सच्चाई यही है कि इस सब तकलीफ और दर्द का इलाज और सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आपको अपने थॉट्स से लगातार लड़ाई करनी पड़ेगी। आपको अपने माइंड को उनको प्यार न करने के रीजंस लगातार देना पड़ेंगे। जिंदगी ऐसे ही चलती है, समय बीतता जाता है और आप अपने अकेलेपन के साथ जीना सीख जाते हैं। और कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये शांति जो आपको अभी अभी मिली है, ये कहीं और नहीं थी, ये यहीं पे थी, ये आपके अंदर ही थी। और ये जो सारे थॉट्स हैं, ये सारे थॉट्स यूजलेस हैं। और बहुत ही जल्दी आपको ये भी महसूस होगा कि ये शांति किसी इंसान या किसी रिलेशनशिप के कारण नहीं होती है, ये हमेशा से आपके अंदर ही थी, पर आप उसको बार बार कहीं और किसी के पास ढूंढ रहे थे। हीलिंग की इस प्रोसेस में विश्वास करिए, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर ये आपकी एक्सेप्टेंस पावर पर भी डिपेंड करता है। पर आप अपने आप से झूठ मत बोलिए, इस बात को एक्सेप्ट करिए। अगर आप किसी को प्यार करना, किसी को मिस करना, किसी से नफरत नहीं कर पा रहे हैं, तो यही कारण हो सकता है कि अब आप उनको माफ कर दो।